हजरात, जैसा कि आपने अभी मुफ्ती साहब किबला दामत बरकातुहु उनकी मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगु समात फरमाई, सदर साहब किबला दामत बरकातुहु ने अभी मुझे बताया कि मुनाजरा तो आज नहीं हो पाया, अगर मुनाजरा हो जाता तो बहुत से सोते हुओं की आंखें खुल जाती। लेकिन कल इसी शहर हैदराबाद में, उसी जगह मुशीराबाद में जहां मैंने 18 को चैलेंज दिया था कि आओ जिसमें दम हो सामने खड़े होकर मुझसे सवालों जवाब करो, उसी जगह अंजुमन फंक्शन हॉल मुशीराबाद में कल रद्दे गैर मुकल्लिदियत पर इस फकीर की तकरीर होगी और इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैं इनके परखचे उड़ाऊंगा। फसीहुद्दीन साहब सुन लीजिए, अभी आप, मैं कल तक हूं इस शहर में और मैंने कहा था कि मैं वापसी की टिकट नहीं बना रहा हूं। पता नहीं मुनाजरे में कितने दिन लग जाए, मुझे क्या मालूम, मुझे तो सामना ही नहीं होगा इनका। बहरहाल कल मेरी तकरीर है, तकरीर में तारीख अहले हदीस और इनके गुमराह कुल अकायद अल्लाह सुबहानहु ताला के हवाले से, रसूल करीम अलैहिस्सलाम हजरत साहबे किराम के हवाले से, औलिया उम्मत के हवाले से, और ये फिरका कब पैदा हुआ, अंग्रेजों से किस तरह इनकी फंडिंग होती रही, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह मैं कल की तकरीर में बताऊंगा। एडवांस में बात मैं बता रहा हूं, कल आप तकरीर में जितने हैदराबाद के में रहने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं या कुर्ब जवार में हैं, आप जरूर जरूर उस प्रोग्राम में बाद नमाज ईशा पहुंचे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।